नमस्कार साथियों, आपके साथ सामने फिर से मैं हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन आयोग द्वारा हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है और सभी पूरे भारत के नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि इस निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है और आप अपने सभी के सभी भारत के नागरिक हमारे इस मतदाता पहचान पत्र योजना को आधार कार्ड से जोड़ने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये आदेश हमारे यहाँ से इस जो आदेश है कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी नागौर कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है, उससे संबंधित अपन थोड़ा सा इस आदेश पर अपन प्रकाश डाल लेते हैं। ये संबंधित आधार नंबर, यहाँ पर देखिए आधार नंबर संग्रहण यानी 5/8/2022 से 6/8/2022 को समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने हेतु क्लस्टर कैंप आयोजित करने के संबंध में बात की गई है। उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रश्न पत्र के संदर्भ में है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों में शुद्धिकरण के लिए प्रत्येक मतदाता के वोटर कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने के लिए दिनांक 1/8/2022 से ये अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में निर्वाचन विभाग ने राजस्थान जयपुर द्वारा वोटर कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने हेतु जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में क्लस्टर कैंप आयोजित किए जाने से हेतु निर्देशित किया गया है और निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कार्मिकों और विद्यार्थियों और अभिभावकों को वोटर कार्ड के आधार नंबर से जोड़ने हेतु क्लस्टर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के समस्त राजकीय और गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रदानों के अधिकारियों और कार्मिकों और मतदाता विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड सहित समस्त सहित विद्यालय और महाविद्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावे और सहयोग हेतु BLO और प्रेक्षकों को भी संस्थाओं में नियोजित करते हुए क्लस्टर कैंप आयोजित करने की सुनिश्चित करें। देखिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उस निर्वाचन आयोग के द्वारा ये महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। आप अपने आसपास जो भी आप जिस गांव या शहर कॉलोनी में जहां पर भी रहते हैं, आप यहां पर देखिए, यहां आपके वहां पर जो भी BLO है उन BLO को आप अपनी मतदाता सूची जहां पर जारी होती है, जो भी BLO है संबंधित, उस BLO को आप अपना आधार कार्ड नंबर उपलब्ध कराएं जिससे आपके आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से लिंक किया जा सके, जिसमें आपकी कोई भी यदि त्रुटि होगी वो त्रुटि भी सुधारी जा सके। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें योगदान देने का प्रयास करें। क्लस्टर कैंप में कितने मतदाताओं के आधार लिंक किए गए हैं इसकी सूचना और क्लस्टर कैंप की चयनित फोटो जिला कार्यालय को जरिए ईमेल में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा ये बात की गई है। तो आप यहाँ पर देखिए, अपन बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से कि हमारे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आधार कार्ड को हमारे मतदाता पहचान पत्र से जुड़ाने का प्रयास करना है और ये भारत के प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व होता है कि अपने भारत के निर्वाचन आयोग की जो महत्वपूर्ण योजना चल रही है इस महत्वपूर्ण योजना में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और आप अपने आधार नंबर और जो भी संबंधित व्यक्ति जो यदि अनपढ़ हैं या जानते नहीं हैं उनको जानकारी दें और अपने उनके भी आप आधार नंबर लेकर संबंधित BLO को तक पहुंचाने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आप भारत के एक सच्चे नागरिक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।